मैं हूं मीरा। 17 अक्टूबर से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। 9 दिन 9 देवियों का पूजन किया जाता है। यूं तो हर व्यक्ति को 9 के 9 दिन पूजन उपासना व व्रत करना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी किस राशि के व्यक्ति के लिए इन 9 दिनों में से किस दिन पूजन उपासना करना, किस देवी स्वरूप की पूजा करना आवश्यक व शुभ हो जाता है। साथ ही अगर लड़की के विवाह में अड़चन आ रही है, जीवन में दुश्मन का भय है, दुख व दर्द सता रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य और दीर्घायु की अभिलाषा है, तो कौन से देवी स्वरूप का पूजन करें, कौन से दिन का व्रत करें, ये भी मैं आपको बताऊंगी। देवी के किस स्वरूप को कौन सा प्रसाद भेंट करें जिससे देवी माँ हो जाएंगी प्रसन्न। साथ ही बताऊंगी देवी के हर स्वरूप का एक सरल सा मंत्र जिसके जाप से मिलेगा आपको शुभ फल। पहला नवरात्र है। पहले नवरात्र पे माँ भगवती के शैल पुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। कहते हैं देवी शैल पुत्री की उपासना करने से, पहला ये व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सुख व सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी के शैल पुत्री स्वरूप को अगर प्रसाद में घी भेंट करे तो श्रद्धालु को रोग मुक्त जीवन की भी प्राप्ति होती है। शैल पुत्री चंद्रमा ग्रह की स्वामिनी मानी जाती है। चंद्रमा ग्रह जो कर्क राशि के भी रूलिंग प्लैनेट है, यानी अगर कर्क कैंसर है आपकी राशि, तो पहले दिन का ये व्रत करना, माँ शैलपुत्री की पूजा करना, उपासना करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक व शुभ हो जाएगा। साथ ही अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, या फिर आपके चंद्रमा कमजोर है, मन से कमजोर है आप, तो भी आपके लिए ये व्रत करना, ये पूजन उपासना करना शुभ हो जाएगा। माँ शैलपुत्री का सरल सा मंत्र है ओम देवी शैल पुत्रे नमः। इस मंत्र का जाप इस दिन 108 बार करें, रहेगा आपके लिए शुभ। नवरात्र के दूसरे दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनकी उपासना करने से जीवन में यश व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है अगर श्रद्धालु प्रसाद में इन्हें फल और चीनी भेंट करें तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी माँ मंगल ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। मंगल ग्रह जो मेष और वृश्चिक राशि की रूलिंग प्लैनेट है, यानी अगर मेष या वृश्चिक, एरीज या स्कॉर्पियो है आपकी राशि, तो आपके लिए दूसरे दिन का ये व्रत करना, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना, उपासना करना बहुत ही आवश्यक व शुभ हो जाता है। या फिर अगर आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, या आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, तो भी ये व्रत, ये पूजन अवश्य करें आप। माँ ब्रह्मचारिणी का सरल सा मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का जाप इस दिन 108 बार करें, रहेगा आपके लिए शुभ। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनकी उपासना करने से जीवन में परेशानियों और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। यानी अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो तीसरे दिन का ये व्रत करना, माँ चंद्रघंटा का पूजन करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक व शुभ रहेगा। देवी माँ को प्रसाद में दूध, खीर या मिठाई भेंट करेंगे तो देवी चंद्रघंटा होगी प्रसन्न। चंद्रघंटा देवी शुक्र ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। शुक्र ग्रह जो वृषभ और तुला राशि के रूलिंग प्लैनेट है, यानी वृषभ या तुला, टॉरस या लिब्रा है आपकी राशि, तो आपके लिए तीसरे दिन का ये व्रत करना, माँ चंद्रघंटा का पूजन करना बहुत ही आवश्यक व शुभ हो जाता है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है, या जीवन में धन धान्य खूबसूरती व प्यार की तमन्ना है, इच्छा है, तो ये तीसरे दिन का व्रत, ये पूजन अवश्य करें। देवी चंद्रघंटा का सरल सा मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जाप इस दिन 108 बार करें, रहेगा आपके लिए शुभ। नवरात्र के चौथे दिन माँ देवी के कुष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनकी उपासना करने से जीवन में यश व आयु की बढ़ोतरी होती है। ऐसी मान्यता है देवी कुष्मांडा को प्रसाद में अगर मालपुए भेंट किए जाए तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, इंटेलेक्ट, समझ, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है।
यानी अगर आपने अपने जीवन में अपनी आयु को, यश को बढ़ाना है, साथ ही अपने ज्ञान को, अपनी समझ को और बेहतर करना है, तो चौथे दिन का ये व्रत करना, माँ कुष्मांडा की पूजा करना, उपासना करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक व शुभ रहेगा। देवी कुष्मांडा सूर्य ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। सूर्य ग्रह जो सिंह राशि के लियो के रूलिंग प्लैनेट है, यानी अगर सिंह लियो है आपकी राशि, तो चौथे दिन का ये व्रत करना, माँ कुष्मांडा का पूजन करना आपके लिए आवश्यक व शुभ हो जाएगा। साथ ही अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर चल रहे हैं या सूर्य ग्रह की दशा चल रही है या नेम फेम की इच्छा है, तो चौथे दिन का ये व्रत अवश्य करें, माँ कुष्मांडा का पूजन करें। कुष्मांडा माँ का सरल सा मंत्र है, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप चौथे दिन 108 बार करें, रहेगा आपके लिए शुभ। नवरात्रि के पांचवें दिन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की पूजा उपासना की जाती है। कहते हैं देवी को प्रसाद में केले बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें प्रसाद में केले अवश्य भेंट करें आप। देवी स्कंद माता बुध ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। बुध ग्रह जो जेमिनाय और वर्गो यानी मिथुन और कन्या, इन राशियों के रूलिंग प्लैनेट है। तो अगर जेमिनाय या वर्गो है आपकी राशि, तो आपके लिए पांचवा ये व्रत करना, मां स्कंद माता की पूजा करना बहुत ही आवश्यक व शुभ हो जाता है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है या बुध ग्रह कमजोर है, तो भी ये व्रत अवश्य करें आप, रहेगा आपके लिए शुभ। देवी स्कंद माता का सरल सा मंत्र है, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का जाप पांचवें दिन नवरात्र के आपने 108 बार करना है, रहेगा आपके लिए शुभ। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी के नाम होता है। जिन लड़कियों के विवाह में दिक्कत आ रही है, देरी लग रही है, कोई अड़चन आ रही है, कहते हैं देवी कात्यायनी के स्वरूप की पूजा करने से वह दिक्कत व अड़चन दूर हो जाती है, तो छठे दिन का ये व्रत वो लड़कियां जरूर रखें। प्रसाद में ऐसी मान्यता है देवी को शहद भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती है। देवी कात्यायनी गुरु ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। गुरु ग्रह जो धनु और मीन राशि के रूलिंग प्लैनेट है, यानी धनु या मीन सैजिटेरियस या पाइसेस है आपकी राशि, तो आपके लिए छठे दिन का नवरात्र का ये व्रत करना, माँ कात्यायनी का पूजन करना बहुत ही आवश्यक व शुभ हो जाएगा। या फिर अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है या गुरु ग्रह कमजोर है, गुरु चंडाल योग है, इस तरह का कोई भी योग है जिससे गुरु ग्रह कमजोर पड़ रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य की इच्छा है, जीवन में बढ़ोतरी की, उन्नति की इच्छा है, तो छठे दिन का ये व्रत माँ कात्यायनी का पूजन अवश्य करें आप। माँ कात्यायनी का सरल सा मंत्र है, ओम देवी कात्यायने नमः। इस मंत्र का जाप नवरात्र के छठे दिन 108 बार करें, रहेगा आपके लिए शुभ। देवी भगवती का सातवां स्वरूप है माँ कालरात्रि। नवरात्र के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। इनकी उपासना से जीवन में शत्रु और काल का नाश होता है, यानी अगर आपको किसी दुश्मन का भय है, तो ये सातवां व्रत अवश्य करें, माँ कालरात्रि का पूजन अवश्य करें आप। साथ ही प्रसाद में ऐसी मान्यता है, अगर आप गुड़ भेंट करेंगे माँ कालरात्रि को, तो जीवन में दुख दर्द अड़चनों से छुटकारा मिलेगा, जीवन में खुशहाली आएगी। तो अगर खुशहाली की है कामना, तो ये सातवां व्रत अवश्य करें, माँ कालरात्रि का पूजन करें। माँ कालरात्रि शनि ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। शनि ग्रह जो मकर और कुंभ राशि के रूलिंग प्लैनेट है, यानी मकर और कुंभ केप्रिकॉन या एक्वेरियस है आपकी राशि, तो सातवां ये व्रत करना, माँ कालरात्रि का पूजन करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक व शुभ हो जाता है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या फिर साढ़े सती चल रही है, तो उसका प्रभाव कम करने के लिए भी सातवां ये व्रत अवश्य करें आप, आपके लिए रहेगा काफी शुभ। देवी कालरात्रि का सरल सा मंत्र है, ओम देवी कालरात्रये नमः। इस मंत्र का जाप सातवें दिन नवरात्र के 108 बार करें, रहेगा आपके लिए शुभ। नवरात्र के आठवें दिन देवी के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है देवी महागौरी को प्रसाद में नारियल भेंट करना शुभ होगा।
देवी मां गौरी राहु ग्रह की स्वामिनी मानी गई हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है या फिर आपकी कुंडली में गुरु राहु, शुक्र राहु, बुध राहु, मंगल राहु जैसे योग हैं, तो आपके लिए आठवें दिन का ये व्रत करना, देवी मां गौरी का पूजन करना बहुत ही आवश्यक व शुभ रहेगा। देवी मां गौरी का सरल सा मंत्र है ओम देवी मां गौरी नमः। इस मंत्र का जाप आठवें दिन आप 108 बार करें, रहेगा आपके लिए शुभ। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जब भी आप व्रत करें या जिस दिन भी आप पूजन करें उस दिन आप दान पुण्य जरूर करें, लड़कियों को खास कन्याओं को भोग कराएंगे तो होगा शुभ। रुके कामों को पूरा करने के लिए एवं सिद्धि प्राप्ति के लिए नवरात्रि के आखिरी दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है देवी के इस स्वरूप को अगर तिल के बीज प्रसाद में भेंट करें तो जीवन में सुरक्षा सिक्योरिटी बढ़ती है। प्राकृतिक आपदाओं से, नेचुरल क्रैमिटीज से या फिर दुर्घटनाओं से बचाव मिलता है। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। यानी अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है या फिर गुरु केतु, शुक्र केतु, चंद्रमा केतु, मंगल केतु जैसे योग हैं, तो आपके लिए आखिरी दिन का नवरात्र का ये व्रत करना, देवी सिद्धिदात्री का पूजन करना बहुत ही आवश्यक व शुभ रहेगा। देवी सिद्धिदात्री का सरल सा मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का जाप नवरात्र के आखिरी दिन 108 बार करें, रहेगा आपके लिए शुभ। तो ये तो मैंने आपको बताया देवी के किस स्वरूप को क्या प्रसाद भेंट करें जिससे देवी मां हो प्रसन्न। हर देवी स्वरूप का एक सरल सा मंत्र बताया जिसके जाप से मिलेगा आपको शुभ फल, और किस राशि के व्यक्ति के लिए 9 दिनों में से कौन से दिन का व्रत करना, कौन से देवी स्वरूप की पूजा करना आवश्यक व शुभ रहेगा। साथ ही किस इच्छा पूर्ति के लिए किस देवी स्वरूप का पूजन करें, कौन से दिन का व्रत करें, ये भी आपको बताया। आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे, यही है मेरी मनोकामना। शुभ नवरात्र।